आदरणीय ओम जी बिड़ला को सम्मान आमंत्रित करता हूँ। कोटा व्यापार महासंघ के तत्वाधान में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दिवाली सबके लिए समृद्ध हो, खुशहाल हो और हम सबके प्रयासों से अभाव में रहने वाले लोगों के जीवन में हम खुशहाली और समृद्धि ला सकें, कोटा के रोजगार के नए सृजन कर सकें और कोटा शहर को देश का प्रमुख शहर बना सके। हमको ये चिंता भी रहती है कि किस तरीके से हम कोटा को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, पर्यटन के रूप में एक नया शहर बना सके। और कोटा एक बढ़ता हुआ शहर है। जब हम देश देखते हैं तो हमें लगता है कि देश के कुछ हिस्से होंगे जहां 12 महीने पानी बहता है, देश के कुछ हिस्से होंगे जहां पर्याप्त बिजली घर है, जहां बेटर रोड कनेक्टिविटी है। आज जितने हाईवे निकल रहे हैं और दिल्ली बम्बई हाईवे के बाद मुझे लगता है कि देश का रोड कनेक्टिविटी के अंदर कोटा शहर सबसे महत्वपूर्ण शहर होगा। रेल कनेक्टिविटी के रूप में भी ये शहर बहुत कनेक्ट शहर है। कुछ और सुविधाओं की आवश्यकता होगी तो मुझे लगता है कि 5 साल के इस कार्यकाल में हम रेल कनेक्टिविटी के रूप में भी देश का सबसे प्रमुख शहर बन जाए। इसके बाद भी हमारे शहर में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। हम पर्यटन के रूप में इस शहर को डेवलप कर सकते हैं। धारीवाल जी शायद सीने नेता है, एनजीटी का विषय कोर्ट का है, राज्य सरकार प्रस्ताव भिजवाए, जो प्रस्ताव राज्य सरकार भिजवाएगी मेरा दायित्व बनता है कि हर प्रस्ताव को स्वीकृत कराऊंगा। लेकिन हमें कंप्लीट प्लान बनाकर अब जल्दी से इस कोटा के पर्यटन के लिए, कोटा की हवाई सेवाएं हैं जिसके बारे में लोग सुनना चाहेंगे, कोटा हवाई सेवाओं के बारे में लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2 बार टीम आ गई है। मैं परसों भी मैंने सिविल एविएशन सेक्रेटरी को बुला के कहा है, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जैसे ही हमें जमीन सपूत कर देगी हम 4 महीने के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। मैंने राज्य सरकार में आपसे भी बात की, राज्य के मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया और अभी संसद चलेगी तो मैं राहुल गांधी जी से कहूँगा कि आप जल्दी से राज्य सरकार को कहें कि वो जमीन की प्रक्रिया को जल्दी कर दे। जहाँ केंद्र का विषय है, अगर कोई फॉरेस्ट की जमीन का टुकड़ा वगैरह कोई आएगा तो वहाँ प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से त्वरित गति से, जितनी गति से पास हो सकता है मैं निश्चित रूप से उसको कराने का काम करूँ। तो बेटर तरीके से हम चंबल का, जहाँ तक सवाल है चंबल, ये बात सही है कि हम चंबल के अंदर एक पर्यटन को विकसित कर सकते हैं और चंबल पर्यटन के विकसित होने के साथ साथ हमारा मुकंदा नेशनल पार्क, इसकी शायद 5 बाघ अभी आए हैं, तो धारीवाल जी से कहूँगा कि एक बार और बात करेंगे, मेरी भी बात हुई है, 3-4 और बाघ आ जाएंगे तो शायद मुकंदा नेशनल पार्क बहुत जल्दी हमारे लिए सफारी के लिए शुरू हो जाएगा। और देश का पर्यटक इसलिए यहाँ पर आएगा कि मैं किसी शहर के बारे में नहीं कह रहा, कोटा आने के बाद उसको शहर के और स्थान देखने का भी विकल्प है, क्योंकि कई जगह हमारे पड़ोस में तो केवल वो टाइगर सेंचुरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुकंदरा नेशनल पार्क डेवलप होने के बाद, क्योंकि कोटा एक महानगर है,
इसलिए पर्यटन की संभावनाएं अपर बनती हैं। आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी ये चाहता है कि इस प्रकार का कानून बने कि अचानक अस्थायी तौर पर कोई भी सरकार दरों में परिवर्तन ना कर पावे और नीतिगत परिवर्तन भी ना कर पावे, क्योंकि नीतिगत परिवर्तन होगा तो उसका फाइनेंशियल मॉडल बिगड़ जाएगा, दरों में परिवर्तन होगा तो उसका फाइनेंशियल मॉडल बिगड़ जाएगा। उस मॉडल को बनाए रखने के लिए वो ये चाहेगा कि स्थायी तत्व हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आधार, ठोस आधार वही होता है जो लंबी अवधि तक कदम जिसके लिए अपन को बढ़ाने पड़ते हैं। जो किसी भी स्तर का हो लेकिन उसको पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से जितनी भी नीतियां बने वो पहले, सबसे पहले छोटे उद्योग को, फिर मध्यम उद्योग को, फिर बड़े उद्योग को बढ़ाती हुई बननी चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी कहा करते थे ना, कुटीर उद्योग से ही वो जो है देश की जनता को ये मैसेज देना चाहते थे कि इससे रोजगार मिलेगा। तो जो इग्नोरेंस आई इस बात के लिए कि हम सिर्फ बड़े बड़े कारखाने लगाएं, छोटे उद्योगों की तरफ ध्यान न दें, वो नीतियां भी उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। क्योंकि मांग किस प्रकार से बढ़े और बाजार किस तरीके से उठे, इस बात पर विचार होना आवश्यक है।